अलकुम एंड वी टोक एम आउट स्क्रीन प्लेस टीवी वी ड्रामों की बात की है सिनेमा की बात की है रेडियो प्लेस के बारे में बात की है तो ऑबली इन सब में स्क्रीन प्लेज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है ऑल ऑफ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड गेस वॉट पैसे बहुत हैं इसमें स्क्रीन राइटर्स के आप देख रहे होंगे कि जो बहुत सारे जो टी वी प्लेज टी लिखते हैं वो देर अर्निंग गुड मनी और अगर आप अंग्रेज़ी में लिखते हैं तो आप बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स के साथ या प्रोडक्शन कंपनीज के साथ uh, जो है वो उनके लिए काम कर सकते हैं फ्रीलांस के तौर पे भी काम कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस भी काम कर सकते हैं एंड यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी एज अ स्क्रीन प्ले राइटर इसके कुछ ओबियसली uh, स्ट्रक्चर्स uh, होते हैं फॉर्मेट्स होते हैं एक तरीका होता है लिखने का वो हम आज आपको बताएँगे कि इसको हम कैसे लिखना इसको हमें कैसे लिखना चाहिए इसके क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं क्या फॉर्मेट होता है एक बहुत फ़ेमस स्क्रीन प्ले है बहुत ही फ़ेमस मूवी है द गॉड और उसका स्क्रीन प्ले जो है वो आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा है मैं पढ़ के भी सुनाती हूँ उसको और मैं इसको स्क्रीन प्ले के तौर पे ही पढ़ूँगी तो उसमें सारे जो डिस्क्रिप्शन है कि कौन कैसे कहाँ और डायलॉग्स वगैरह सब कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम अपना एक स्क्रीन प्ले लिखें ताकि आपको मैं बता सकूं कि इसको जब हम लिखने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है किस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है क्या उसके रिक्वायरमेंट्स uh, हैं एक स्क्रीन screen, प्ले या स्क्रिप्ट के सो इट इज़ डॉन्स ऑफिस समर ऑफ नाइनटीन The द पैरामाउंट लोगो इज़ प्रजेंटेड ऑसटेरली ओवर अ ब्लैक बैकग्राउंड देर इज़ अमेंस हेजिटेशन and then the simple words in white lettering, "the godfather." while this remains we hear, "i believe in america." suddenly we are watching in close view amerigo bonacera, a man of sixty, dressed in a black suit, on the verge of great emotion. "bonacera, america has made my fortune." as he speaks, the view imperceptibly begins to loosen. Bonacera. I raised my daughter in the American fashion. I gave her freedom, but I taught her never to dishonor her family. She found a boyfriend, not an Italian. She went to the movies with him, stayed out late. Two months ago he took her for a drive with another boyfriend. They made her drink whiskey and then they tried to take advantage of her. She resisted. She kept her honor. So they beat her like an animal. When I went to the hospital, her nose was broken. Her jaw was shattered and held together by wire. And she could not even weep because of the pain. He can barely speak. He's weeping now. Bonacera. I went to the police like a good American. These two boys were arrested and brought to trial the judge sentenced them to 3 years in prison and suspended sentence they went free that very day i stood in the courtroom like a fool and those bastards they smiled at me then i said to my wife for justice we must go to the godfather एंड देन द प्ले कोज ऑन और वो चलता चला जाता है और आप देखते हैं कि जो एक स्क्रीन uh, प्ले होता है उसमें ना सिर्फ डायलॉग आ रहा होता है बल्कि एक एक्सप्लेनेशन भी दे रहे होते हैं साथ में कि जी एक्सप्रेशन uh, क्या हैं कपड़े क्या हैं uh, उस वक्त हो क्या रहा है सीन क्या है सिनारी क्या है सेटिंग क्या है ये इसलिए है क्योंकि जो राइटर होता है वो उसके दिमाग में वो एक पूरी तस्वीर या एक पूरी फिल्म जो है वो चल रही है और वो कोशिश करता है कि वो जो उसके उसके दिमाग की इमेजिनेशन है या जो उसने सोचा है वो डायरेक्टर के पास भी आ जाए जो एक्टर है उसके पास भी आ जाए और वो बिल्कुल उसी तरह रिक्रिएट कर सके उसको जिस तरह के उसने लिखा है या जिस तरह के उसने उसको इमेजिन किया है या सोचा है तो ये एक ज़रूरत होती है स्क्रीन प्ले की हम अब कोशिश करेंगे कि एक अटैम्प्ट ख़ुद भी करें इन राइटिंग स्क्रीन प्ले तो पहले हमें डिसाइड करना है कि जी सिनारियो क्या होगा हम किस चीज के बारे में स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं तो हम एक छोटा सा सीन लिखते हैं इंट्रोडक्टरी सीन है एक अ मैन ड्राइविंग टू द मॉल शॉपिंग सेंटर ये एक सीन है जो हम एक लंबे स्क्रीन प्ले के लिए लिखना चाह रहे हैं तो हम उसको अब लिखेंगे कैसे पहले जी हमने जो सिनारी एक्सप्लेन करना है वो है कि अ मैन इज़ ड्राइविंग टू द मॉल और द शॉपिंग सेंटर और उसमें ऑब्वियसली आपके पास जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो आपने उसमें बताने हैं रोड है कार है मैन है शॉपिंग सेंटर है ट्रैफिक है तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इनकॉपरेट करनी अपने स्क्रीन प्ले में दिस इज़ जस्ट बेसिकली डिफरेंट पीपल राइट डिफरेंटली मुझे नोट्स चाहिए होते हैं मैं लिखती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि अच्छा ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो मैंने अपने जो राइटिंग है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराने हैं so, सो यहाँ पर हम कहते हैं ओपनिंग सीन यानी कि जी ओपनिंग सीन ये है कि मैन इज़ इनसाइड ए टोटा करोला ही इज़ वेयरिंग अ डार्क सूट वो सड़क के बीच में चला रहा है और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हॉक कर रहे हैं चीखे मार रहे हैं uh, एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो सड़क के किसी एक तरफ हो जाए तो मैन वॉट इज़ योर प्रॉब्लम Can you not see I am driving? Random people screaming. Stop straddling, drive in the lane. और फिर इसी तरह आप कहानी जो है वो बढ़ाते चले जाएंगे, डायलॉग्स आते चले जाएंगे और वो जो एक एक्सचेंज है एक इस आदमी की जैसे कि वो शॉपिंग मॉल की तरफ जा कर ड्राइव करता रहता है वो जो एक पूरा सीन है वो आप एक्सप्लेन भी करेंगे और डायलॉग्स भी देंगे और साथ साथ ये फिर पूरी जो आपका स्क्रीन प्ले है वो बनता चला जाएगा आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल और आपको uh, समझ आया होगा कि एक स्क्रीन प्ले जो है उसका फॉर्मेट कैसे होता है उसको लिखा कैसे जाता है थैंक यू सो मच